गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज सूरज गुड़गांव ड्रीम ब्लॉग्स। फ्रेंड्स आज हम दिखाने वाले प्रॉपर्टी ये बेसिकली सेक्टर 9 में 18 मीटर रोड पे है, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी। जो फ्लैट में एंट्री करते हुआ वो नॉर्थ फेसिंग है, सेकंड फ्लोर सेल पे आया हुआ। प्राइस के लिए प्लीज चेक आउट द डिस्क्रिप्शन, प्राइस काफ़ी रिजनेबल है इसका। अभी आपको रेनोवेट करके देंगे ये, और काफ़ी बजट फ्रेंडली घर है ये। 18 मीटर रोड पे है, गोइंग ऑन टू द कैंपस एरिया। कैंपस एरिया हो गया प्रॉपर, और यहाँ से ऊपर की तरफ स्टेयरकेस गया है। अभी मैं जिस का बनाऊंगा नीचे का, सेम लेआउट सेम डिज़ाइन है। प्राइस के लिए प्लीज चेक आउट डिस्क्रिप्शन, मूविंग ऑन टू द फ्लैट। सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज सूरज गुड़गांव ड्रीम ब्लॉग्स। हाँ, आपको मैं दिखाने वाला हूँ प्रॉपर्टी, ये बेसिकली नॉर्थ ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी है। जो फ्लैट में एंट्री करते हो आप, वो आपको इसमें क्या है फ्रेंड्स, आपको प्रॉपर्टी ये नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है। जो फ्लैट में एंट्री करते हो आप, वो नॉर्थ फेसिंग है। 204 स्क्वायर यार्ड प्लॉट साइज है, और 18 मीटर की रोड है उस पर ये आया हुआ है सेल पे। आप देख सकते हो ग्राउंड में काम चल रहा है अभी, और सेकंड फ्लोर जो है ये सेल पे आया हुआ है। यहाँ से मैं दिखा देता हूँ आपको, जस्ट एक आइडिया देख लो, ये वाला सेल पे आया हुआ है, और इसका कैंपस है। यहाँ से स्टेयरकेस गया हुआ है, जस्ट लेआउट समझ लो क्या नहीं है। इसी साइज़ का आपको ड्राॅइंग कम डाइनिंग एरिया मिलेगा उसमें, सेम जिसमें अप्रोच वहाँ से दिया हुआ है। जैसे ऊपर वाला है ना फ्लैट, वो सेल पर आया हुआ है, उसमें वहाँ से अप्रोच अभी लॉक है। जस्ट मैं आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ क्या नहीं है, उसको देख के समझ जाओगे आप क्या इसका लेआउट है। पूरा मार्बल फ्लोरिंग है, नॉर्थ फेसिंग ये हो गया प्रॉपर्टी, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है। 1300 स्क्वायर फीट कार्पेट एरिया है, और ये इसका ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया है। आप देख लो इसको, ये ड्राइंग कम डाइनिंग हो गया। यहाँ से समझो कि आप कि आपने यहाँ से एंटर करा, चूँकि ये अभी लॉक है, ये बैल्कनी हो जाती है ऊपर की तरफ ना, तो यहाँ से आप एंटर करें, और ये इसका हो गया, यहाँ से एंटर करें, और ये हो गया ड्राॅइंग रूम, ठीक है। और चूँकि थोड़ा अंधेरा है, जितना हो सकता है दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको। ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ मैंने लाइट ऑन कर दिया अभी। और दो कमरे पीछे की तरफ हैं, ये किचन हो गया, फर्स्ट क्लास मॉडल किचन बनी हुई है फ्रेंड्स। फर्स्ट क्लास मॉडल किचन है, जो कि आप देख सकते हो, ऐसा ही किचन सेम है, डिटो लेआउट एग्जैक्टली दी सेम वैसा ही बना हुआ है। और यहाँ से अभी एंटर करें, और ये फर्स्ट बेडरूम हो गया। बेडरूम आप देख सकते हो, इस साइज़ की बेडरूम है, प्रॉपर मार्बल फ्लोरिंग दिया हुआ है। फॉल्सिंग का काम ये लोग करवा रहे हैं अभी, तो ये फ्लोरिंग हो गया। और ये जो वॉशरूम है, ये कॉमन रहेगा, रूम से अटैच नहीं है, कॉमन रहेगा ड्राॅइंग रूम से भी और रूम से भी। ये वॉशरूम हो गया। फिटिंग्स जितने भी हैं सारे इसमें जैगवार के सारे फिटिंग्स रहेंगे, हिंडवेयर के इसमें वॉश बेसिन यहाँ पर दिया गया है। और ये बाथरूम हो गया, दो कमरे पीछे की तरफ है, किचन मैंने दिखा दिया आपको। और लेट्स मूविंग ऑन टू द सेकेंड बेडरूम। ये जो बेडरूम है, इसमें आप देख पा रहे होंगे प्रॉपर वुडन टाइल्स का काम किया गया है, फॉल सीलिंग इसमें बन रहा है अभी, सेम लेआउट है। और पीछे की तरफ जैसे इसमें क्या है, पीछे आपकी बैक साइड स्पेस हो गया, ऊपर में क्या है वहाँ बैल्कनी आ जाएगी आपकी। सेम डिज़ाइन सेम लेआउट सेम साइज, वुडन टाइल्स में भी किया गया है। और इससे अटैच ये वॉशरूम है, उसमें भी सेम लेआउट है, कमोट है। ये शावर एरिया हो गया, सेम साइज का वॉशरूम हो गया इसमें। और ये वाला जो है फ्रेंड्स, पीछे का स्पेस हो गया इसमें, और इसके ऊपर ये वाला पोर्शन जो है वो बालकनी का पोर्शन आ जाता है। मूविंग ऑन टू द थर्ड बेडरूम, और ये वाला जो फ्रेंड्स का तीसरा बेडरूम हो गया, ये जो है इसमें फॉल्सिंग का काम चल रहा है। ये इसका थर्ड बेडरूम हो गया प्रॉपर, इसमें मार्बल फ्लोरिंग दिया गया है। और ये विंडो है, ऐसे ही सेम बना हुआ है, यहाँ डोर का अप्रोच दिया है, इस तरफ बैल्कनी आ जाती है। और इससे अटैच ये वॉशरूम है, ये भी सेम डिज़ाइन सेम लेआउट से बना हुआ है। इधर आपको कमोट है, और ये शावर एरिया हो गया, यहाँ पे वॉश बेसिन एरिया हो गया। इस तरफ जो है फ्रेंड्स, ये पीछे का स्पेस आ जाता है इसमें, जो कि आप देख पा रहे हो भैया। और ये बैक साइड स्पेस हो गया, और ये हो गया फ्लोरिंग, और ये हो गया ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया। यहाँ से आप देख सकते हो फर्स्ट क्लास इसमें। और ये वाला जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये डोर, यहाँ से आप एंटर करोगे, क्योंकि ये वाला नीचे ग्राउंड में बना हुआ है, तो ग्राउंड में ये तो ब्लॉक रहेगा, और यहाँ से आगे की तरफ बैल्कनी होगी। तो यहाँ से एंट्री करा, ये नॉर्थ फेसिंग हो गया प्रॉपर्टी, नॉर्थ वेस्ट फेसिंग, 18 मीटर रोड पर है। तो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब, प्राइस की प्लीज़ चेक आउट द डिस्क्रिप्शन, वहाँ मैं डाल दूंगा प्राइस क्या नहीं है। और ये इसका हो गया स्टेयरकेस ऊपर की तरफ, प्रॉपर इसमें कैंपस एरिया ये।
ओके गाइस बाय, टेक केयर।